सर, आज गुजरात का दौरा है, कुछ उम्मीदवार पांच बेटा इलेक्शन के और चार लोकसभा के बाकी है, कैंपेन कब से जोर पकड़ने वाला है गुजरात में कांग्रेस का? देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो 24 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनाव में उतारना है, उसमें से हमने 17 का तो ऐलान पहले ही कर दिया, उसके बाद 3 प्रत्याशियों की घोषणा पिछले कुछ दिनों पहले करी, और बची है 4 सीटों पर। वो भी फैसला कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये फैसला हो चुका है, किसी भी समय हम उसकी घोषणा करेंगे। कल से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया औपचारिक तरीके से गुजरात में शुरू होगी, परसों से 12 तारीख से हमारे प्रत्याशियों ने तय कर लिया है कि कौन किस समय अपना पर्चा दाखिल करेंगे। हमारी विभिन्न समितियाँ बन गई है, प्रचार से लेकर तो पब्लिकेशन तक के, मीडिया से लेकर सभी की सभी समितियों का गठन हो गया है, उनका काम चल रहा है, और हमारे विभिन्न पदाधिकारियों के दौरे सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हो रहे हैं, और कांग्रेस और मित्र दलों के साथ हमारा प्रचार ये जोर पकड़ रहा है। जिस तरह की स्थिति आज हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात में और विभिन्न दूसरे राज्यों में खड़ी करने की कोशिश जो चल रही है, उसे देखने के बाद ये कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं? जब अपने आप में भरोसा नहीं होता है, तब दूसरे दलों के नेताओं को तोड़कर, किसी को डराकर, किसी को धमकाकर, किसी को लालच देकर, किसी को फरेब की तरीकों से वो अपने आप में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। सर, राजकोट बैठक की बात की जाए तो पुरुषोत्तम रूपाला को चेंज ना करने का मन भाजपा ने शायद बना लिया है, और वहाँ से आपकी तैयारी परेश धानाणी को लेकर है, किस प्रकार से रहेगा ये बुरा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं अनेकों नेताओं की कई सारी मिसालें हम दे सकते हैं, जहाँ पर वो गैर जिम्मेदारान बयान देते रहे हैं, शीर्ष पे बैठे नेताओं से लेकर तो उनके ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बयान लोगों में द्वेष पैदा करना, लोगों में नफरत फैलाना, तरह तरह से लोगों को भड़काने का प्रयास करना, यह हम लगातार देखते रहे। ये एक तरह से उनका स्वभाव है, जो कहते हैं उनका नेचर है, ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव हमने अनेकों वर्षों से देखा है। जनता की अदालत में अभी कुछ ही दिनों बाद फैसला होगा, और मैं समझता हूं कि जिन्होंने इस तरह से गैर जिम्मेदारान बयान दिए हैं, उनका हिसाब जनता करके रहेंगे। सर, विधानसभा बाय इलेक्शन उसके कैंडिडेट आप कब तक देखेंगे? उसके कैंडिडेट भी शीघ्र ही हम घोषित करेंगे। जैसा मैंने कहा, सिर्फ लोकसभा नहीं तो जो उपचुनाव भी हो रहे हैं उसके भी कैंडिडेट्स हमने लगभग तय कर लिए, किसी भी समय हम उसकी घोषणा कर लेंगे। थैंक यू।